शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, मुबारकबाद देंगे आप विकास जी को, और मुख्यमंत्री जी को भी आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें आम आदमी पार्टी को रोकना चाह रही थी, लेकिन फिर भी पार्टी ने अच्छा किया, न सिर्फ दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात का भी वो जिक्र करते हैं, और अच्छा वोट शेयर है उनके पास तो दिल्ली में, और जिन जिन जगहों पर इलेक्शंस हैं इस साल भी अगले साल भी चुनौती मिलने वाली है, आपको मानते हैं? देखिए, एक तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए बधाई, उनके प्रवक्ता के माध्यम से मैं ये बधाई देना चाहता हूँ। और यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई पार्टियाँ राष्ट्रीय पार्टी बनती हैं राज्य की पार्टियों से, और फिर कई पार्टियाँ जो राष्ट्रीय पार्टियाँ होती हैं वो अपने राज्य में ही सिमट जाती हैं। आज आपने देखा जिस जैसे आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, उसी तरीके से एकाध पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी से सिस्टम से बाहर किया गया उनके प्रतिशत वोटों के माध्यम से। तो मेरी ओर से बहुत हार्दिक बधाई। दूसरा और जो मैं कहना चाहता हूँ, चूंकि अब राष्ट्रीय पार्टी हो गए हो आप, तो आप उन सब शब्दों का जरूर संयम रखिए कि विषय में बोलना है, कैसे बोलना है। लगातार कई महीनों से आपके प्रवक्ता, आपके नेता, आपके संयोजक सब लोग अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अब मैं इस दिन आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सही शब्दों का प्रयोग करें और आने वाले समय पर एक अच्छी राजनीतिक भूमिका में अपना योगदान दें। अब मेरे सवाल पे नहीं आए आप उनको अब ये कह रहे हैं कि उनको थोड़ा सा बोलना सीखना चाहिए। अब तो 10 साल के हो गए हैं, मुझे लगता है कि केजी तो पार ही हो गई है, क्यों विकास जी? अब देखिए, 10 सालों में ये ऐसी पार्टी है जो बनी है राष्ट्रीय पार्टी, ये बात सच है, पर 10 ही साल के अंदर इनके 2 मंत्री जेल में हैं, 10 ही साल के अंदर कट्टर ईमानदारी की बात करने वाले लोग कट्टर भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं। आप वो प्रूव करिए, क्योंकि जब भी आज भी उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला गया, वो शिक्षा मंत्री बहुत अच्छे हैं, तो शिक्षा मंत्री अच्छे हों, मैं इस पर आज डिबेट करने नहीं आया हूँ, परंतु वो जिस बात को कहना चाह रहे हैं कि जब शराब मंत्री को जेल में बंद किया गया है तो शिक्षा मंत्री की बात ले आते हैं, बातों को घुमाना, बातों को इधर उधर करना है, बच्चों को सपना दिखाना सिखाया बहुत अच्छी बात है, पर बच्चों को शराब पिलाना भी यदि किसी एक ने सिखाया है तो वो इनकी आबकारी नीति है। विरोध नीतियों करते हैं, व्यक्तियों का नहीं, पर यहाँ पर क्या है, व्यक्तियों का विरोध होता है, नीतियों का नहीं। नहीं, आप लोगों ने भी जिला स्तर पर जबरदस्त कार्यक्रम शुरू किया, आम आदमी बीजेपी ने भी, आज आपके प्रदेश अध्यक्ष की हम खबर भी दिखा रहे थे, तो आप लोग भी तैयारी में हैं, तो वो ठीक है, लेकिन आपने ये सवाल का जवाब नहीं दिया कि इनसे आपको चुनौती है नहीं दिल्ली में या कहीं पर भी। देखिए क्या है, एक बड़ा नैरेटिव डेवलप करने का कोशिश करते हैं अरविंद केजरीवाल जी, जैसा उन्होंने गुजरात के चुनाव में कहा कि हम सरकार बना रहे हैं और CBI IBs ने सब उनको ही रिपोर्ट दे रहे थे, वो लोग बता रहे थे कि ये सब सरकार बन जाएगी आपकी, और 4 सीटें आई। मेरा ये कहना है, गोवा में वो कह रहे थे कि हम बहुत बड़ी सरकार बना रहे हैं और इस वाले मैदान में हम शपथ लेंगे, ऐसी बातें करना और इस तरीके से लोगों को, जैसे यहाँ दिल्ली के चुनाव में उन्होंने कहा कि हमारे पास 220 सीटें आ रही हैं, 230 सीटें आ रही हैं, तो ये सब बातें करना उनकी आदत है, इसी तरीके से उनको लगता है कि हम कितना ज्यादा मोदी जी को उतने ज्यादा विपक्ष के रूप में उभर के आएंगे, ऐसी उनकी विचारधारा से वो आजकल काम कर रहे हैं। ठीक है विकास जी, बहुत शॉर्ट में जवाब दे दीजिए, एक लाइन में, क्या आप कहना चाह रहे हैं इस पर? सीखेंगे कुछ कुछ शब्द, वो हम सुनते ना, मीम्स बहुत चलते हैं, शब्दों की मर्यादा रखिए। आप म्यूट हैं शायद, आपकी आवाज नहीं आ रही विकास जी। हाँ बोलिए, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। राजनीति में एक दूसरे सीखना चाहिए और हम भी सीखेंगे जिनत जी। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि जैसे आपने कहा कि 10 साल का बच्चा केजी, तो 10 साल का बच्चा मुश्किल से 4th-5th क्लास में पहुंच पाता है, और यहाँ भी 10 साल का बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट करके, और हम स्थिति में आ गए कि हमने देश के सबसे बड़े नेता को मजबूर कर दिया कि फर्जी स्कूल बना के फर्जी क्लास पर बैठकर वो फोटो खिंचवाए, और धीरे धीरे असली स्कूल भी बनेंगे, लेकिन हमने इतना मजबूर कर दिया कि फर्जी क्लास में बैठकर देश का सबसे बड़ा नेता फोटो खिंचवाए। और गुजरात में जिस तरह से बीजेपी के गढ़ में आम आदमी पार्टी 4 सीट जीतकर आई है, तो वो अपने आप में दर्शाता है कि आने वाली चुनौती बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी है, और कोई पार्टी इस वक्त तक कर लेने की स्थिति में नहीं है। केजरीवाल जी ही वो
चेहरा है जिस पर जनता विश्वास कर रही है, उम्मीद जता रही है, और जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकते हैं और देश को एक नंबर वन देश बना सकते हैं। ठीक है।